हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था डिमांड पे। डिमांड की हमने डेफिनेशन याद की थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक की स्लाइड्स लाई है मैंने, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि यूजीसी नेट की डिमांड क्या है क्वेश्चन की। मतलब अगर आप इसको ऐसे तैयार करोगे ट्वेल्थ बेस पे वो तो ठीक है, ब्रीफ में पढ़ रहे हो, लेकिन हमें उतना जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा डिमांड शेड्यूल है क्या, डिमांड कर्व है क्या। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, मैंने एग्जांपल लिया आईफोन की। इट इज ए टेबल रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी डिमांड एट वेरियस प्राइसेस। मतलब कि एक टेबल मैंने बना के दिखाया आपको जिसमें प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी डिमांड दे रखी है। अब एग्जांपल मैंने आईफोन ले रखा है, आईफोन तो आपको सबको पता है। मान लीजिए मार्केट में किसी आईफोन का रेट है 70,000, उस टाइम पे डिमांड कैसी होगी उसकी, ठीक ठाक है 100। जब उसका प्राइस गिरेगा, मतलब अगर वो 60,000 का हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, सॉरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। जब 50 का हुआ तो क्वांटिटी डिमांड और बढ़ गई। कहने का मतलब जैसे जैसे उसका प्राइस घट रहा है लोगों की डिमांड उसकी बढ़ रही है, यही सेम डिमांड का शेड्यूल है। अब इसी चीज को अगर आपको कर्व में प्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करोगे। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। इट इज ए ग्राफ दैट शोज क्वांटिटी डिमांड एट वेरियस प्राइसेस। अलग अलग प्राइसों पे जो क्वांटिटी डिमांड का मिक्स होके जो ये कर्व बन रहा है उसको हम शो करेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे शो किया। देखिए जब 70,000 का था तो हमारी डिमांड ये यूनिट्स कितनी जा रही थी, इतनी। जब 60 का था 200 जा रही, 50 का था 300 जा रही है, 40 का था 400 जा रही है, 20 का था 500 जा रही है। तो ये स्लोप कुछ ऐसे बना डाउनवर्ड को, तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या ये भी बोल सकते हैं अपवर्ड स्लोप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या तीसरा ऑप्शन होगा नेगेटिव स्लोप। अब क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जाम से, ये तो आपने समझ लिया। क्वेश्चन आएंगे आपको एमसीक्यू में, क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो लेफ्ट से राइट जाता है कि राइट से लेफ्ट आता है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो नेगेटिव स्लोप है कि वो पॉजिटिव स्लोप है। और चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कौन सा रिलेशन है, वो रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इस टॉपिक के बीच में ये कुछ एमसीक्यू बन के आते हैं, तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू।